कहते हैं आप ऑनलाइन क्यों करवाना चाहते हो, चीटिंग हो जाएगी। अरे पढ़ने वालों, अरे पढ़ने वालों, चीटिंग तो बच्चों ऑफलाइन में भी होती है। मैं एक टीचर हूँ, 7-8 साल से स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। मैंने देखा टीचर वहीं खड़ी है, एग्जाम चल रहा है, बच्चे चीटिंग कर रहे हैं वहीं पर खड़े होकर टीचर के सामने। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अनुराग त्यागी क्लासेस चैनल पर। दोस्तों आप लोग कमेंट कर रहे थे, भैया वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो आप, क्या आपने हमारी लड़ाई छोड़ दी क्या? तो भाई पहली बात तो ये है कि तुम मेरे छोटे भाई बहन हो, और अपने छोटे भाई बहन की लड़ाई कोई छोड़ नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी बात यह है कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा था, कल मैंने 16 सेकंड का शॉर्ट डाला था, क्योंकि फेक न्यूज़ थी तो आपको अलर्ट करना जरूरी था। उस फेक न्यूज़ में बोला गया था कि अब सरकार ने पास होने के लिए 33% को हटाकर और 23% कर दिया है, जो कि फेक न्यूज़ था। तो दोस्तों वो न्यूज़ तो क्लियर हो गया, अब मैं आपको कुछ अपडेट्स दे देता हूँ जो अपडेट्स मुझे मिली हैं। सीट बेल्ट लगा लो जरा। और भाई अपडेट ये है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय केजरीवाल जी, उनको हमने एक लेटर लिखा था, उनका लेटर का रिप्लाई भी आया है, उनके OSD का और राजीव जी का, उन्होंने लेटर हमारा ऊपर भेज दिया है। तो जो दिल्ली वाले बच्चे हैं वो तो समझ लो कि उनका तो पक्का ऑनलाइन हो जाएगा, बिकॉज दिल्ली के स्कूल मुझे लगता नहीं अभी खुलेंगे। दिल्ली की सरकार चाहती नहीं स्कूल खोलना भी, और ये हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं उनका। अब आते हैं दूसरे देश के जो स्कूल हैं हमारे 9th और 11th के। तो जैसे CBSE वाले, जब बच्चे CBSE को मेल कर रहे हैं तो CBSE उन्हें बोल रही है कि हमारे हाथ में नहीं है, स्कूलों के हाथ में है। तो ये खबर बिल्कुल झूठ है, ऐसा नहीं है कि CBSE के कंट्रोल में नहीं है स्कूल। हमने इसके बारे में वकीलों से बात करी है, और कुछ स्कूल प्रिंसिपल भी हमारे जो हमारे सपोर्ट में हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अगर CBSE आदेश करती है तो कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जो मना कर दे एग्ज़ाम ऑनलाइन लेने से। अब दूसरी बात आती है कि स्कूल क्यों बोलेंगे। देखो स्कूल का पूरा आप क्रोनोलॉजी समझिए, स्कूल की क्रोनोलॉजी ये है, स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं उनके हाथ में कुछ नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ, मैनेजमेंट के हाथ में होता है। प्रिंसिपल एक दिखाने का फेस होता है बस, प्रिंसिपल वही बोलता है बोलती है जो मैनेजमेंट कहता है। प्रिंसिपल एक फेस होता है पब्लिक से डील करने का, प्रिंसिपल के हाथ में ऐसी कोई पावर नहीं होती जो इतने बड़े निर्णय ले ले हो। और मैनेजमेंट भाई, मैनेजमेंट कौन होता है? जो स्कूल के मालिक होते हैं, जिनका स्कूल होता है, जो पैसे कमाते हैं। और भाई मैनेजमेंट क्यों चाहेगा यार कि स्कूल के एग्ज़ाम ऑनलाइन हो? क्योंकि देखो मैनेजमेंट की इस टाइम ये है कोशिश कि किसी भी तरीके से स्कूल खुल जाएं और बच्चे ऑनलाइन ना आकर ऑफलाइन आएँ, क्योंकि स्कूल वाले क्या फंडा है फीस लेना, सिंपल सी बात है। इस बार ये पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री के अंदर कि स्कूल बंद रहे हों करीब 8-9 महीने तक, क्योंकि स्कूल एक बड़ा बिजनेस बन चुका है और धड़ाधड़ स्कूल खुल रहे थे, कोचिंग सेंटर। अभी मैं एलन कोचिंग का देख रहा था, वो वहाँ के जो महेश्वरी जी हैं वो बार बार पोस्ट कर रहे हैं ट्विटर पर कि हमने अल्ट्रा वायलेट लगा दिए हैं, वो सैनिटाइज़र हमने ये कर दिया, हम बच्चों का ये करेंगे। लेकिन आप सब जानते हो ऐसा क्यों लिख रहे हैं, वो चाहते हैं कि दोबारा उनका बिजनेस शुरू हो। और एक ही शहर में इतने लाखों बच्चों को इकट्ठे करने का क्या मतलब है कि सारे बच्चे कोटा में ही जाकर कोचिंग करेंगे? कोटा वाज फेमस इनिशियली फॉर स्टोन्स, कोटा स्टोन सुना होगा आपने। अब उसको कोचिंग नगरी, शिक्षा नगरी, सिलेक्शन नगरी के नाम से बुलाया जाता है, पूरा मीडिया भी शामिल रहता है इसमें। तो यार मैं कोचिंग के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद भी कोचिंग चलाता हूँ, लेकिन भाई एक ही शहर में, जो कि दिल्ली से काफ़ी दूर भी है, ना ही कोई बड़ा शहर है वो, एक ही शहर में इतने सारे बच्चों को इकट्ठा रखना बहुत खतरनाक है दोस्तों। अगर कोई वायरस फैलता है तो देश का यूथ कितनी बड़ी संख्या में प्रभावित होगा उससे, या कोई भी क्राइम अगर होता है उनके खिलाफ, तो एक ही शहर में इतने लाखों बच्चे इकट्ठा होना, वो भी बिहार से, तो मतलब समझ लो बिहार में तो एक राष्ट्रीय पर्व है कि कोटा जाना है बच्चे को 12वीं करके और कोचिंग करनी है 10वीं करके भी। तो ये एक बात है। दूसरी, कोचिंग वाले भी बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, और कोचिंग का इतना बड़ा माफिया होता है कि इसके सामने सरकार झुक गई, राजस्थान की कांग्रेस सरकार, और उन्होंने कोचिंग खोलने की परमिशन दे दी। हालांकि अभी हमारे यूपी में परमिशन नहीं दी योगी जी ने, और देखिए मैं खुद भी एक कोचिंग चलाता हूँ और मेरा कोचिंग भी पिछले करीब 8-9 महीने से बंद है, और मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रहा हूँ, मुझे दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि स्कूल और कोचिंग अभी नहीं खुलने चाहिए। अब मैं आपसे एक बड़ी बात शेयर करूँगा जिसको सुनकर आप हिल जाओगे। मेरठ में एक स्कूल है सेंट थॉमस स्कूल, और वो स्कूल 18th सेंचुरी का है, मतलब अंग्रेजों ने बनाया था उसको अपने बच्चे पढ़ाने के लिए। जब अंग्रेज यहाँ थे, ब्रिटिश हुकूमत थी यहाँ पर, तो अंग्रेजों ने अपने बच्चे पढ़ाने के लिए सेंट थॉमस स्कूल बनाया था, उसको आजकल मेरठ का कैंट एरिया कहते हैं। और मेरा बहुत, क्योंकि मेरे मामा जी वहाँ हैं तो मैं मेरठ में रहा हूँ, पढ़ा हूँ, तो मुझे तो बहुत नोन एरिया है वो। तो वहाँ की प्रिंसिपल मैम, जो कि बहुत एजिड भी नहीं थी, यंग थी, बड़ी फिट लगती थी देखने, मैंने उनसे मिला था एक बार, मैं उनसे जब मेरी ड्यूटी लगी थी प्रैक्टिकल की मेरठ में, तो यार वो इतनी मतलब देखने में अच्छी थी, फिट थी, तंदुरुस्त थी। उनको कोरोना हुआ दिसंबर में, स्कूल जब खुले, स्कूल खोलने की हिम्मत करी गई, बच्चों से मिली, वो बहुत सारे
कोरोना हुआ, उनको आगरा के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, वहाँ से वो कोरोना नेगेटिव आई घर पर, और अभी कुछ दिन पहले दोबारा उनको सांस लेने में दिक्कत हुई, फेफड़ों में इन्फेक्शन पाया गया, और दोस्तों उनकी 2-3 दिन पहले डेथ हो गई। और इससे मैं इतना शॉक्ड हुआ, मुझे इतना दुख हुआ, आप सोच नहीं सकते, बिकॉज शी वॉज अ लाइव लेडी, मतलब बहुत अच्छी थी वो यार, मतलब बच्चों का बहुत केयर करती थी। लेकिन सोचिए, स्कूल खोलने से एक प्रिंसिपल भी चपेट में आया, जो कि यंग था, यंग थी मैम, उनको हम एजिड नहीं कह सकते, बुजुर्ग नहीं कह सकते, मैं मानता हूँ बुजुर्ग वो लोग होते हैं जो 55-50 साल के बाद होते हैं, और वो फिट थी भाई, बहुत एक्सरसाइज वगैरह, जैन मैम थी वो। तो यार अब एक बात सोचो, जब स्कूल खोला गया तो बहुत सारे बच्चे भी उनके कॉन्टैक्ट में आए होंगे, बच्चों से मिली भी होंगी, मैंने उनके फोटो देखे जब बच्चों से हाथ मिला रही हैं। सोचो यार, सोचो बस जरा, ये तो भगवान का, भोलेनाथ का आशीर्वाद है भाई, अल्लाह का, वाहेगुरु का, जीसस का, कि यार हम लोग बहुत लक्की हैं, हमारा देश, हमारे यहाँ पर ईश्वर की कृपा है भाई। क्योंकि भगवान कृष्ण ने लिखा है गीता में, यदा यदा ही धर्म से गलानीर्भवती भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदामनम सर्जाभ्यम, हे पार्थ, जब जब इस भारत में धर्म की हानि होगी तो मैं धर्म को बचाने के लिए पैदा होऊंगा। तो पता नहीं हमारे देश के लोगों को बचाने के लिए भगवान हमारी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन बच्चे कितने खतरे में हैं। तो मैं रेस्पेक्टेड पेरेंट्स से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यार अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों को मत भेजो स्कूल। और देखिए, मुझे एक स्कूल का नोटिफिकेशन मिला अभी, एक बच्चे ने भेजा जयपुरिया स्कूल का, वहाँ के उसमें लिखा हुआ लेटर में कि कोई भी बच्चे को अलाउड नहीं होगा, कोई रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन एग्जाम के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी। देखिए स्कूल वाले कितनी मनमर्जी कर रहे हैं आजकल अपनी, जबकि शिक्षा मंत्री जी लाइव आए थे कल परसों देहरादून के KVS में, उन्होंने कहा था कि दोनों ऑप्शन रखे जाएंगे, ऑनलाइन क्लास का भी, ऑफलाइन क्लास का भी, 50% ऑफलाइन, 50% ऑनलाइन। तो मेरा इसमें मानना है, अगर पेरेंट्स ना डरें और भाई बिना डरे स्कूलों से डिमांड करी जाए कि हम नहीं भेजेंगे अपने बच्चे, तो याद रखें स्कूल मजबूरी में मजबूर हो जाएगा कि आपके एग्जाम ऑनलाइन लें। दोस्तों स्कूल हमसे है, हम स्कूल से नहीं है। मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं किसी स्कूल के खिलाफ नहीं हूं यहां पर, सारे स्कूल मेरे लिए बहुत सम्मानीय है, सारे टीचर, लेकिन ये लिखना डायरेक्ट लेटर में कि कोई ऑप्शन, कोई रिक्वेस्ट नहीं सुनी जाएगी ऑनलाइन एग्जाम के लिए, ये तो तानाशाही हुई। लोकतांत्रिक देश में किसान 2 महीने से सड़कों पर जाम करके बैठे हुए हैं, सरकार ने डंडा तक नहीं चलाया उनके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी कहा थोड़ी देर पहले, हम उनको ट्रैक्टर मार्च निकालने से रोकेंगे नहीं, ये उनका अधिकार है। ये हमारे देश की खूबसूरती है दोस्तों, सरकार के पास बहुत पावर होती है, सरकार चाहे तो 1 सेकंड में उनको, किसानों को हटा सकती है वहां से, लेकिन सरकार उनको हटा नहीं रही है, बल्कि उनकी व्यवस्था करी जा रही है खाने की, पीने की, सोने की। आपको क्या लगता है कि सरकार के बिना किसान वहां बैठ सकते हैं, लगता है आपको ऐसा? नहीं दोस्तों। तो यार ऐसे में जब हमारा देश इतना लोकतांत्रिक देश है, तो ऐसे में एक स्कूल ये कहे कि हम कोई रिक्वेस्ट नहीं सुनेंगे ऑनलाइन एग्जाम की, तो ये तो बहुत गलत है यार। तो भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्कूल तो मान गए हैं, अभी तक मेरे पास जो आई है इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से हमारे आंदोलन के बाद करीब करीब 50 स्कूल मान चुके हैं कि ऑनलाइन एग्जाम लेंगे वो। लेकिन दोस्तों इतने बड़े देश में 50 स्कूल बहुत कम है, कुछ स्कूल पहले से ही ऑनलाइन ले रहे हैं, जो अच्छे स्कूल हैं, समझदार हैं, उनको पता है बच्चे की जान की कीमत क्या होती है। लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स इसमें डरते हैं, पेरेंट्स को लगता है हमारे बच्चे से बदला लिया जाएगा। मेरे पास हजारों से मैसेज हैं जिनमें बच्चा लिख रहा है, सर मेरा नाम मत करना, सर सॉरी, सर मेरा नाम रिवील मत करना, मेरे पेरेंट्स को सर बहुत परेशान किया जाएगा और मुझे परेशान। और ये बात सच है दोस्तों, ये डर बिना मतलब का नहीं है, स्कूल वाले ये हरकतें करते हैं। अगर कोई बच्चा उनके खिलाफ कुछ बोलता है, खिलाफ नहीं, अपने अधिकारों के लिए कुछ बोलता है, तो स्कूल वाले उनको परेशान करते हैं बहुत तरीके से, भिन्न भिन्न प्रकार से परेशान किया जाता है, नाना प्रकार के तरीके होते हैं, साम दाम दंड भेद बहुत तरीके हैं स्कूल के पास यार। स्कूल मगरमच्छ होता है और स्कूल का मैनेजमेंट मगरमच्छ है, और स्कूल एक पानी की तरह है और वहां पर आप उनसे बैर नहीं कर सकते हो, खासकर 9th और 11th के बच्चों का पेन। कुछ 10th के बच्चे कहते हैं, भैया आप, मैं बहुत सारी बातें कर रहा हूँ, देखो मेरे मन में आ रही है तो बोल रहा हूँ, ठीक है। 10th 12th के बच्चे कह रहे हैं, भैया आप हमारे में भूल गए यार, तुम्हें कैसे भूल गए भाई, तुम्हारे लिए तुमने दिन रात एक कर दिया यार, तुम्हारे एग्जाम पोस्टपोन करवाए यार हम सबने मिलकर, मैं अपना नाम क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ भाई, सॉरी मुझे मत कहना, मैंने कोशिश करी। और भाई 10वीं 12वीं के बच्चों के एग्जाम बहुत पोस्टपोन हो गए, मई में बहुत टाइम मिल गया तुम्हें, और भाई तुम्हारे एग्जाम ऑनलाइन होना पॉसिबल है नहीं। देखो 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम होते हैं, उनको ऑनलाइन नहीं ले सकती सरकार, वैसे भी हम 9वीं के और 11वीं के इसलिए ले रहे हैं ऑनलाइन, डिमांड कर रहे हैं क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल रहा यार, अभी तो उनकी क्लास चली नहीं ढंग में, 8 महीने तक उनको बेवकूफ बनाते रहे ऑनलाइन क्लास के नाम पर, कभी PDF शेयर कर रहे हैं, कभी वीडियो शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूल तो मेरी वीडियो शेयर कर रहे थे, मैंने देखा है, बच्चों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं, और अब उन्हें 1 महीना स्कूल में बुलाकर फरवरी से एग्जाम लेना चाह रहे हैं। ये सरासर फीस लेने का षड्यंत्र है स्कूलों का, इसलिए मैं उनका साथ दे रहा हूँ, 10वीं 12वीं के साथ में हूँ, हमेशा रहूंगा, आप मेरे छोटे भाई बहन हो, मैं आपको नहीं भूलूंगा। अब बात करते हैं कुछ यूट्यूबर्स की। दोस्तों कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं, उनसे आप सावधान रहें, यूट्यूबर्स नहीं कहूंगा, वीडियो बनाने वाले या न्यूज देने वाले, वो एक दिन कहते हैं अब नहीं होगा ऑनलाइन एग्जाम,
ऑनलाइन एग्जाम होना है मुश्किल। फिर अगली बार कहते हैं अब आई ये बड़ी खुशखबरी, उधर मोदी का फोटो लगा दिया, उधर शिक्षा मंत्री का फोटो लगा दिया, किसी कुछ तो पत्रकारों का फोटो लगा देते हैं बड़े बड़े, जी न्यूज वाले सुधीर चौधरी का फोटो लगा दिया, किसी इंडिया टुडे की पत्रकार का लगा दिया, अब आई ये बड़ी खुशखबरी, इन सबको करूंगा फेल। फिर अगले दिन ऑनलाइन एग्जाम होने में ये आ रही है मुश्किल। फिर अगले दिन अब होंगे पक्के ऑनलाइन एग्जाम। मतलब आपको उलझा के रखते हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं है, वो उनका उद्देश्य सिर्फ आपसे ये है कि आप उनके साथ उलझे रहो, आप उन्हें सब्सक्राइब कर लो, उन्हें ना कोई स्टैंड है यार, एक स्टैंड पे रहो भाई, हमारी लड़ाई है। मैं ये नहीं कहता कि मैं ऑनलाइन करवा दूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक स्टैंड पर हूँ, बच्चों को भ्रमित मत करो। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ यार, इस तरह की वीडियो मत बनाओ भाई। एक दिन कहते हैं ऑनलाइन हो जाएंगे, अगले दिन कहते हैं ऑनलाइन होने हैं मुश्किल, कभी कहते हैं ये, कभी कहते हैं ये, ऐसा मत करिए दोस्तों। मेरे सारे जो यूट्यूब बनाने वाले लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, ऐसा मत करिए। बच्चे बहुत छोटे हैं, एक दिन ये बच्चे बड़े होंगे, इनको फिर पता चलेगा ये हमें उल्लू बनाते थे, फिर उनको फील होगा कि आप कितने गलत थे। आज भले ही आप मेरे खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा कर लो, लेकिन मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ। और मेरा स्टैंड क्या है, मेरा स्टैंड बच्चों का साथ देना है। मैं बच्चों का साथ दे रहा हूँ, जहां पर मुझे अन्याय लगेगा बच्चों के साथ, जहां पर मुझे लगेगा उनके साथ गलत हो रहा है, मैं उनके साथ हूँ। ये वीडियो लंबी हो गई दोस्तों, आई एम सॉरी, लेकिन मेरे मन में जो था मैंने बोल दिया। अब बात करते हैं ये कि अब क्या हो रहा है। देखिए हमारी डिमांड चल रही है, सीबीएसई तक बात पहुंच चुकी है, मैं 17 लेटर पोस्ट कर चुका हूं रजिस्टर्ड पोस्ट से, मैं जल्दी आपको लेटर दिखाऊंगा अपने, और मैं बहुत सारी चीज़ें ओपन नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे भी खतरा है दोस्तों, मुझे भी थ्रेट मिलती हैं। सारे स्कूल वाले मेरे खिलाफ हो गए होंगे। अब आप सोचिए, मैं भी एक प्राइवेट टीचर हूँ, मैं भी स्कूल में अप्लाई करता हूँ कई बार, आप बताइए क्या स्कूल वाले मुझे जॉब देंगे, कोई मैनेजमेंट चाहेगा मैं उनके स्कूल में पढ़ाऊं? नहीं, सच्चाई की कोई यार आजकल कदर नहीं है भाई। और ये जो दूसरे यूट्यूबर हैं कभी कुछ लिख देते हैं कभी कुछ, उनको तो भाई आप समझ जाओ, उनको आपसे कोई मतलब नहीं, उनका स्टैंड नहीं है। स्टैंड हमारा आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करते रहिए, हिम्मत मत हारिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ अंत में, वीडियो 10 मिनट से बड़ी नहीं करना चाहता था मैं, 11 मिनट की हो गई है। सारे बच्चे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको दो काम करने हैं, तीन काम करने हैं। नंबर वन, इस वीडियो को हर मोबाइल तक, हर वीडियो हर बच्चे तक, हर ग्रुप में, हर स्कूल के ग्रुप में शेयर करना है, छोड़ना मत वीडियो को शेयर करे बिना, बार बार शेयर करते रहना, ये नहीं एक बार शेयर कर दी भूल गए। दूसरा भाई, तुम्हें क्या करना है, पढ़ाई करनी है दोस्तों, चाहे आपका एग्जाम ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई आपके काम आएगी। स्कूल का भरोसा नहीं है दोस्तों, ये बात सच है। 9th और 11th के जो मामला होता है वो स्कूल के कब्जे में होता है, लेकिन ये भी सच है कि सीबीएसई चाहे तो एग्जाम ऑनलाइन करवा सकती है। एक ऑर्डर की देर है, क्योंकि लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था तो सीबीएसई ने ऑर्डर दिया था कि स्कूलों को कि बच्चों के एग्जाम ना लिए जाएं 9th 11th के, उनको जनरल प्रमोशन देकर पास कर दिया जाए, और बहुत सारे स्कूलों ने किया भी। लेकिन अब सबको पता है स्कूल खुल गए हैं, तो स्कूल वालों को एक बहाना मिल गया, अब स्कूल बुलाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, फिर पीटीएम करवाएंगे, फिर फीस मांगेंगे पेरेंट्स से, सारी फीस लेने के बाद एग्जाम करवाएंगे, फिर कुछ बच्चों को फेल कर देंगे, उनका रीटेस्ट होगा, उनको पीटीएम में बेइज्जती करी जाएगी, इस तरह उनका काम दोबारा शुरू हो जाएगा जो वो आज़ादी के बाद से करते हैं। तो दोस्तों मैं बस यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं आप ऑनलाइन क्यों करवाना चाहते हो, चीटिंग हो जाएगी। अरे पढ़ने वालों, चीटिंग तो बच्चों ऑफलाइन में भी होती है। मैं एक टीचर हूँ, 7-8 साल से स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मैंने देखा टीचर वहीं खड़ी है, एग्जाम चल रहा है, बच्चे चीटिंग कर रहे हैं वहीं पर खड़े होकर, टीचर के सामने कुछ नहीं बोलती टीचर यार, और खुलेआम चीटिंग चलती है ऑफलाइन में भी। और जब मैं गया और मैंने चीटिंग रोकी जाकर, वहां कितने मेरे पास वीडियो भी, मैं दिखा नहीं सकता आपको, कई स्कूलों की वीडियो है मेरे पास भाई। चीटिंग जो बच्चे करते हैं वो तो करेंगे, उनको तुम रोक नहीं। यार आईएएस के एग्जाम तक चीटिंग पकड़ी गई है। मुन्ना भाई पिक्चर नहीं देखी क्या आपने यार? नीट के पेपर लीक होते हैं, आईएएस के पेपर लीक होते हैं, रेलवे के तो हर साल पेपर लीक होते हैं, सरकारी जॉब का ऐसा कोई पेपर नहीं जो लीक नहीं होता। चीटिंग तो पूरा देश कर रहा है। और रही बात ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग हो जाएगी, ठीक है हो जाएगी, मान लेते हैं थोड़ी बहुत करेंगे बच्चे घर पर हैं तो, अगले साल बोर्ड नहीं देंगे फिर, वो बोर्ड में देख लेना फिर, जिस दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो भाई मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो पढ़ाकू बच्चे हैं वो भी, जो बच्चे ऑफलाइन एग्जाम चाह रहे हैं वो भी, यार अभी साथ दो, तुम्हारी जान को खतरा है, सच कह रहा हूँ। स्कूल जाने का मतलब है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी जिम जाना शुरू किया 2-3 दिन से, एक हफ्ता हो गया होगा, मुझे गले में प्रॉब्लम फील हो रही है, ये नहीं कि कोरोना आया, लेकिन एक होता है यार, साइकोलॉजिकल भी होता है। और हमारी बॉडी दिमाग चलती है, हमारी बॉडी बॉडी से चलती है, हमारा ब्रेन जो सोचता है वही बॉडी होती है। घर पर रहो, पढ़ाई करो, मेहनत करो। सारे पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो बड़ी होगी दोस्तों माफ करिएगा, सारे पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई इस वीडियो को देखकर अपने बच्चों को डिसाइड करो कि आपको स्कूल भेजना है नहीं भेजना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कोशिश करो कि बच्चों को स्कूल ना भेजो, ठीक है। अब ऑफिस आ गया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए, इस वीडियो को हर मोबाइल तक भेज देना। वीडियो थोड़ी हिल रही होगी क्योंकि मोबाइल स्टैंड पे लगा हुआ है, तो गाड़ी हिलती है तो मोबाइल भी हिलता है और वीडियो हिलती है, उसके लिए माफी चाहता हूँ दोस्तों। और अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो जो आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, मैं थोड़ा गुस्से में इधर उधर हो जाता हूँ, और उसके लिए बहुत बहुत मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, इमोशनल होकर कुछ कुछ बोल देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।